गुड मॉर्निंग एलकेजी क्लास। चलिए हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हम लोग की हिंदी की कॉपी में रिवीजन चल रहा था। रिवीजन मैंने आपको कहा था, ऐसे अपनी कॉपी में एक पिक्चर्स ड्रॉ करवा लीजिएगा अपने पेरेंट्स की हेल्प से। कोई भी आप पिक्चर्स ड्रॉ करा सकते हैं। रिवीजन फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिखेंगे। उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन आपको जो करवाया था वो है क से ज्ञ तक लिखो। मैंने कहा था आपको ये अपने से लिखना है, क से लेकर ज्ञ तक लिखो, क्योंकि रिवीजन चल रहा है जिसे आप अपने से करेंगे। उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया था खाली जगह भरो। ये भी मैंने कहा था कि आप अपने से करेंगे, अपने पेरेंट्स ऐसे कॉपी मेंशन करवाएंगे, फिर इसे आप अपने से कीजिएगा, खाली जगह भरो। आइए आज हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। हमारा आज प्रश्न नंबर 3 है, दो वर्णों वाले 10 शब्द लिखो। आपको दो अक्षर वाले, दो वर्णों वाले 10 शब्द लिखने हैं। इस तरह से अपने पेरेंट्स से कॉपी में मेंशन करवा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, दो वर्णों वाले 10 शब्द लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से मेंशन करवाइएगा। और आप यहाँ पे लिखिएगा दो वर्ण वाले शब्द, जैसे बस, नल, कल, फल, चल, जग, रात, हल, कल, बन। इस तरह से आप दो वर्णों वाले 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखिएगा। वो भी लर्न करके आपको लिखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, दो वर्णों वाले 5 वाक्य लिखो। इसमें क्या लिखना है आपको, दो वर्णों वाले 5 वाक्य। इसके पहले मैंने क्या कहा था आपको लिखने के लिए, प्रश्न 3 में दो वर्णों वाले 10 शब्द लिखना है, और प्रश्न 4 में दो वर्णों वाले 5 वाक्य लिखो। 5 वाक्य आपको लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर डालेंगे। अपने पेरेंट्स से कॉपी मेंशन करवा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डलवा लीजिएगा, फिर इसे आप अपने से लिखिएगा लर्न करके। जैसे पहला वाक्य हो जाएगा, आपको जो भी वाक्य याद है, फल, चक, धन, रख, जल, भर, घर, चल, फल, चक, इस तरह से दो वर्णों वाले 5 वाक्य यहाँ पे आप लिखेंगे लर्न करके। ओके, ये हमारा रिवीजन क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। इसे आप लर्न कीजिएगा और लर्न करने के बाद अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।